मैं उमर रियाज एंड रश्मि देसाई से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। उमर रियाज ने माफ़ी मांगी और कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस बात को काफ़ी लोग बदा चढ़ाकर बता रहे हैं कि उमर रियाज ने रश्मि देसाई से अपनी गलती के बारे में माफ़ी मांगी, जब उन्होंने एक अपने उनको रियलाइज़ हो गया कि रश्मि देसाई उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो हम आपको बता दें कि ये बात वहाँ से शुरू होती है जब नेहा बसीन ने अपने फ्रेंड्स उमर रियाज, रश्मि देसाई, राजीव को उन्होंने टैग किया और उनको कहा कि आप मेरे सॉन्ग जो प्रवास सॉन्ग का हुक स्टेप है वो कर मुझे वीडियो बनाकर भेजो और मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूंगी। तो उमर रियाज ने उसके नीचे कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये काम तो मुझसे नहीं होगा। तो उमर रियाज ने इसमें रश्मि देसाई से नहीं माफ़ी मांगी, सगोदी उन्होंने उस गाने के हुक स्टेप के लिए माफ़ी मांगी है और उन्होंने बहुत ही फ़नी वे में ये बात की है। और उसी के बाद वहाँ पर उमर रियाज के फैंस पहुँच गए और वो उमर रियाज को बार बार यही बात कहने लगे कि प्लीज़ उमर आप डांस कर दो ना, हमें आपको डांस करते हुए देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आपका डांस इतना अच्छा नहीं है लेकिन आप जब डांस करते हो तो बहुत बढ़िया लगता है, हम आपको देखना चाहते हैं, प्लीज़ उमर आप डांस कर दो ना। तो उमर रियाज ने फ़िलहाल उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया है, लेकिन जैसे उनके बात करने का और उनके फनी वे में का पता चल रहा है तो उनका अब नॉर्मल है और रश्मि देसाई की भी बातों से और उनके बिहेव से पता चल रहा है कि उमर एंड रश्मि के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब कुछ क्लियर हो चुकी है। आई होप आप भी मेरी बातों से सहमत होगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।